क्लास के बाद हम इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे सके। मेरे यहाँ हर सेशन रिकॉर्ड होता है और क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग दी जाती है ताकि आपको हर एक चीज जो है वो नोट करने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पायथन प्रोग्रामिंग के ऊपर। अब समझते हैं कि पायथन क्यों जरूरी है, सीखना क्यों जरूरी है। उससे पहले बताते हैं आपको कि पायथन अगर हम प्रोग्रामिंग के पर्पज से ना देखें, अगर मान लीजिए कि हम प्रोग्रामिंग हटा दें, हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं है या हम कोई पैकेज नहीं बना रहे हैं, सिंपल मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं मैं एक्सेल पे और बाकी सॉफ्टवेयर पे, तो फिर पायथन की जरूरत कहां पड़ेगी। तो चलिए हम बताते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है पावर बीआई इस्तेमाल करें। जब आप पावर बीआई इस्तेमाल करेंगे तो आपको सोचेंगे पावर बीआई तो नॉर्मली पावर बीआई क्या होगा, लेकिन पावर बीआई के अंदर भी आप देखेंगे कि यहां पायथन है, यहां दिख रहा है पीआई कुछ पायथन, मतलब पावर बीआई के अंदर भी हम यहां पायथन की प्रोग्रामिंग हमें जरूरत पड़ेगी पहले। दूसरा मान लीजिए चल ठीक है पावर या पायथन नहीं करते, लेकिन जब पावर बीआई में या एक्सेल के अंदर ही जब डेटा इंपोर्ट करते हैं हम यहां पे, जब कोई डेटा इंपोर्ट करते हैं, डेटा में गए और यहां से हम फ्रॉम फाइल ही लेते हैं, तो पावर क्यूरी आता है। आई थिंक आप लोग पावर क्यूरी के बारे में जानते होंगे, कोई भी एक फाइल ले लिया मैंने, तो पावर क्यूरी के बारे में आप जानते होंगे, तो पावर क्यूरी के अंदर भी हमारा पैथर्न देखिए। पावर क्यूरी के अंदर भी हम पैथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सेल में हो सकता है, एक्सेल तो बीजी है, तो पिछले महीने ही एक्सेल के अंदर भी आपका पैथन इंक्लूड हो चुका है, और हम जो प्रोग्रामिंग नॉर्मली करते हैं पैथन की जो कंपाइलर है उस पे, वो सारी प्रोग्रामिंग आपको यहां एक्सेल पे भी कर सकते हैं। तो पैथन हमारा फ्यूचर है क्योंकि एक्सेल के साथ आ चुका है, पावर बीआई के साथ आ चुका है, टैब्लो के साथ आ चुका है और भी बहुत सारी जगहों पे आ चुका है। सो पैथन ये हमारी जरूरत बनने वाली है क्योंकि अगर हमें डेटा विजुलाइजेशन के क्षेत्र में काम करना है तो इसलिए पैथन की आवश्यकता है। और पैथन सीखने में बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि पैथन को सीखना बड़ा मुश्किल है, ये आपका बहुत ही आसान। तो जो हम पैथन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपको जो व्हाट्सएप पे और वीडियो पे और बाकी चीजों पे जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजे थे, उस पिक्चर्स के आपको एक बार देखते हैं, बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कर। तो जो पैथन प्रोग्रामिंग मैं आपको सिखाने वाला हूं उसके अंदर जो कवर होगा, सबसे पहले कोर पैथन कवर होगा। जी हाँ, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस। अभी कोर पैथन क्या है, पहले आप लोग जावा के बारे में सुने होंगे, कोर जावा एंड एडवांस जावा, तो सेम हमारा पैथन का प्रोग्रामिंग में करते हैं तो एक आपका कोर पैथन आता है। देखिए जहां पर सारे पैथन के जितने भी प्रोग्रामिंग है, डेटा टाइप्स हो गया, लूप्स हो गया, कंडीशंस हो गए, उसके ऑप्स हो गए, क्लासेस हो गए, बाकी और भी जो चीजें होती है वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। जब कोर पैथन हम कर लेते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है बाकी चीजों की, जैसे कि लाइब्रेरीज की, पांडाज, एक्सेल के ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो पांडाज चाहिए, आपको चार्ट वगैरह पे वर्क करना है तो आपको मैटप्लोटलिब चाहिए, अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह पे करना है, एरर वगैरह पे काम चाहिए तो आपको नंपी पाई चाहिए, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए आपको, यहाँ पे डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाहिए, तो इसके अंदर भी वो सारी चीज कवर करने की कोशिश की गई, जितना हो सके उतना हमने कवर किया। अब इसकी अगर पूरी कंप्लीट देखना चाहते हैं कोर्स कंटेंट, इसमें क्या क्या कवर है, तो एक कोर्स कंटेंट एक भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस क्लासेस में क्या क्या। तो सबसे पहले हम कोर पैथन के ऊपर डिस्कस करते हैं।
तो कोर पैथन में पैथन के बारे में, प्रोग्राम लिखने के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, इनपुट आउटपुट, कंट्रोल स्टेटमेंट, एरेज, स्ट्रिंग कैरेक्टर, फंक्शन, लिस्ट एंड टुपल, डिक्शनरी, ऑब्स, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, लेंस, अब्स्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन, फाइल टाइप्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा डेट एंड टाइम, थ्रेड, ग्राफिकल जीयूआई, नेटवर्किंग, पैथन डेटाबेसेस, कनेक्टिविटीज, डेटा साइंस यूजिंग द पैथन। इसके अलावा इसमें 100 के आसपास प्रोजेक्ट्स जो होंगे, एग्जाम्पल प्रोग्राम हम इसको कवर करेंगे। तो दिस इज द पार्ट वन जिसमें हम कोर पैथन सिखाएंगे और इसी में थोड़ा टाइम आपका ज्यादा लगेगा क्योंकि इसमें बेसिक टू एडवांस हर एक चीज को कवर करने की कोशिश की गई है। फिर दूसरे पार्ट में हमारा आएगा जिसमें हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, जिसमें हम एनाकोंडा के बारे में बात करेंगे, मंपीबाई के बारे में बात करेंगे, साईफाई के बारे में बात करेंगे, पांडास के अंदर बात करेंगे, मैटप्लोटलिब के बारे में बात करेंगे, सीवन के बारे में बात करेंगे जो कि डेटा विजुलाइजेशन एडवांसेस के लिए जरूरत पड़ता है। ओके, उसके बाद डेटा विजुलाइजेशन में हम पावर बीआई के अंदर पैथन कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, पैथन और एसक्यूएल लाइब्रेरीज क्या है उसके बारे में बात करेंगे, एक्सेल डैशबोर्ड्स के अंदर, एक्सेल के अंदर जो पैथन की प्रोग्रामिंग है वो कैसे यूज करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। अब इसको सीखने के बाद आप क्या बनेंगे, क्या आप एक बिकम फुल स्टैक प्रोग्रामर बनेंगे? देखिए, मैं पिछले 17 सालों से एक्सेल की ट्रेनिंग दे रहा हूं, इसमें एडवांस एक्सेल, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, एमएस एक्सेल डेटाबेस, आपका पावर बीआई, टैबलू, गूगल सी, इस सब की ट्रेनिंग देता हूं। और आपने भी बहुत सारे वीडियो जो है अपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी मुझसे क्लास ले चुके हैं और कुछ लोग मुझे पहली बार ज्वाइन किए हैं। तो मेरा जो फील्ड है वो डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुलाइजेशन का है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यू बिकम द फुल स्टैक प्रोग्रामर, लेकिन फुल स्टैक प्रोग्रामर की जो पहली पायदान है उसको आप क्रॉस कर जाए। मतलब कि इसके बाद आप अगर डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, आप एआई में जाना चाहते हैं, आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं, तो आप आसानी से जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि फिर आपको कहीं कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत हो, आप बुक्स हैं, पीडीएफ आर्टिकल्स हैं या यूट्यूब वीडियोज हैं, देख के भी बाकी जो चीजों को सीख सकते हो। ओके, बाकी की चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन पैथन सीखने के बाद आप एक्सेल के अंदर जो डेटा एनालिसिस है, एक्सेल के अंदर जो फीचर्स है उसको आप आसानी से कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बड़े बड़े ऐसे चार्ट्स हैं जो कि एक्सेल में पॉसिबल नहीं है वो आप आसानी से यहां बना इसके थ्रू बना सकते हैं। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा है जो कुल बाकी चीजों से लेकर आती है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे एक फॉर्म बनाना है, मुझे एक फॉर्म डेटा एंट्री फॉर्म बनाना, तो अगर मैं एक्सेल के साथ जाता हूं तो क्या होगा कि वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग करना। अब वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग में दिक्कत क्या है कि मुझे उसको एक वीवीए का फाइल, एक्सेल का फाइल देना होगा, क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग सिर्फ चलेगी तो एक्सेल में चलेगी, जिस कारण से मेरा कोर डेटा सबका सब एक्सेस कर सकता है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कुछ प्रोग्राम बना दूं सॉफ्टवेयर टाइप का जिसमें डेटा एंट्री करे और बैकएंड में एक्सेल फाइल के अंदर में जाए, फाइल डेटा कहां जा रहा है वो डेटा एंट्री करने वाले को पता नहीं होना चाहिए और ना मेरे फाइल को डिलीट कर सके, कुछ ऐसा कर सके। तो ये चीज आप जो है पावर इसमें पैथन में आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने बनाया, देखा एरा। अब यहां पे मैं कोई भी डेटा एंट्री करूंगा, पूजा सिटी कर देता हूं दिल्ली और यहां पे अमाउंट 500 एंड सबमिट करता हूं, तो ये कहां चला गया, ये चला गया मेरे फाइल के अंदर, इस वाले फाइल में, ठीक है, इस वाले फाइल में चला गया। तो कहने का मतलब है कि मुझे एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक खुद मखुद क्या हो गया। तो जी सर, बोलिए।
हेलो हेलो जी सर जी सर मैं ये मेरा ये था कि हमने बना दी ठीक है फिर मैं मैंने सर आपने सुना नहीं मैंने पीआई फाइल की नहीं मैंने ईएक्सई फाइल के बारे में बात की ठीक है ना। अच्छा आप जो पैथन यूज करेंगे तो क्या करेंगे उसकी ईएक्सई फाइल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए दिखा है नहीं ये तो यही एप्लीकेशन फाइल दिखा सर। हाँ जी सर ये रही पाइथन फाइल और इस पाइथन फाइल से हमने ये ईएक्सई फाइल और जो पुराना है मेरा वो ईएक्सई में आया है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा एंटर कॉस्ट मैंने यहाँ पे 50 लिख के एंटर मारा तो एमआरपी भी किया 9000 तो ईएक्सई फाइल। लेकिन ये क्या है करेक्टर यूजर इंटरफेस में ऐसे आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बना सकते। अच्छा ठीक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर आप बनाते हैं तो जो देखिए अगर आप एक्शन में डैशबोर्ड एक्शन में यूज कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे कोडिंग कर दी और यहाँ देखिए चार बन गया सर। तो इसी तरह से हम अपनी डैशबोर्ड वगैरह किसके थ्रू बना सकते हैं पैथन के थ्रू बना सकते हैं आसानी से। देखिए कुछ इस तरह का डैश देखा इस तरह का डैश ओके सर। तो जैसे वी हाँ जैसे वीवीए सपोर्ट कर रहा है ऐसे आपका पैथन एक्शन में सपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं डिजाइन है आर्टिकल है जो कि एक्सेल में नहीं है एक्सेल से पॉसिबल नहीं वो सारी चीजें हम पैथन से कर सकते हैं पहली चीज। दूसरी सेम टॉपिक हम क्या करेंगे पावर बीआई में रख देंगे। जैसे पावर बीआई है अब प्रॉब्लम ये है कि पावर बीआई में बहुत सारे कंडीशंस वगैरह बहुत सारे डिजाइन वगैरह है तो ये सारा कोडिंग लिख के रखेंगे और इस कोडिंग को यहाँ स्क्रिप्ट में पेश करके जस्ट रन कर देंगे तो मेरा जो प्रोग्राम है तो वो तुरंत बन जाए। तो पावर यूम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप खुद की सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और आप अगर चाहें तो जरूरी नहीं है कि आपको ईएक्सई फाइल देना है आप एचटीएमएल फाइल बना के दे सकते हैं। देखिए यहां बता रहा हूं आपको कहां गया पैथन रात को 10 बजे क्लासेस में है यहां पे आपका सी एच ये देखिए ये पैथन में बनी हुई एरिया चार्ट एक कौन सी चार्ट है क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं ट्री मैप चार्ट ठीक है सर। ये पैथन के द्वारा बनाई गई है तो हम पाइथन को एज पावर बीआई का सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं फिर पावर बीआई की तरफ वो ऑटोमेट देखिए उसके लिए क्या है आपको कि अगर आप डैशबोर्ड दो चीजें हैं कि अगर आप डैशबोर्ड से आप दिख रहा है आपने एक चार्ट डैशबोर्ड एचटीएमएल में बना दिया है और एक चार्ट ऐसे आप बहुत सारे डैशबोर्ड और डिजाइन तैयार कर सकते हैं ग्राफिक तैयार कर सकते हैं और इसको आप एचटीएमएल फॉर्मेट में बना के किसी को शेयर कर सकते हैं वेबसाइट लिंक वगैरह पर पावर बीआई का सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते हैं। क्यों क्योंकि पावर बीआई एक सर्वर बेस है एक क्लाउड बेस है बस समझ रहे डेटा आपने डेस्कटॉप पर रख दिया अपलोड कर दिया चला गया उसके क्लाउड पे क्लाउड पे वहां से जाके आपने शेयर कर दिया सारे मेरे बंदे उनको शेयर हो गया आप डेटा अपडेट करेंगे अपलोड एक बहुत बड़ी है और पावर बीआई किसी एक प्रोग्रामर का बनाया हुआ नहीं है वो एक टीम को बनाया हुआ है टीम में हजारों लोगों का काम नहीं, 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 नहीं
ठीक है, उस फाइल मैंने शेयर कर दी है जिनको रिक्वायर्ड, अपना देख लेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज आपने सीखा ना सर, तो मैंने आपको पैथन का लैंग्वेज आपने सिखा दिया। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद आप पोएट्री करें, आप राइट बुक राइटिंग करें या आप स्पीकिंग करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। उसी तरीके से अगर आप कोर्स कर लेते हैं उसके बाद पावर बीआई के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप अवेयर हो जाएंगे, कुछ हद तक अपना काम जो है कर सकते हैं। उसके अलावा और ज्यादा डेवलपमेंट के लिए आपके पास वे खुल जाएगा, अब आगे चल के इसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि पावर बीआई में हजारों मॉड्यूल्स है, सारे मॉड्यूल्स को सीखना एक बार में पॉसिबल नहीं है, और हर काम के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। अगर मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उसको कोडिंग करके बना भी सकते हैं, लेकिन उस लेवल पे पहुंचने में आपको टाइम एक्सपीरियंस एफर्ट बहुत लगाना पड़ेगा सर। एक 35 डेज की क्लास में आप उस लेवल तक नहीं पहुंच जाइएगा जहां आप एक फुल स्टैक सॉफ्टवेयर बना सके, और फिर फुल स्टैक सॉफ्टवेयर एक आदमी के बस की चीज नहीं है। ठीक है सर? तो मेरा जो आपको सिखाने का पर्पस है कि आप अपने काम लायक जो सॉफ्टवेयर्स है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो तैयार कर सके। दूसरा, आप जो है ऑफिस के अंदर में जो एक्सेल के ऊपर पैथन की प्रोग्रामिंग होती है, पावर बीआई के पत्ते में प्रोग्रामिंग होती है, जो डेटा विजुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, वो सारे काम कर सके। और तीसरा सबसे मेन चीज, जो चीज आपको जरूरत है और आपको नहीं आ सके उसको आप इजीली सीख सके। सर मेरे क्वेश्चन है, हेलो ये इसका फ्रंट एंड और बैक एंड कैसे होगा? इसका बैक एंड क्या होगा? पाइथन का जो बैक एंड चलेगा वो एसक्यूएल वाला चलेगा या क्या चलेगा? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप एसक्यूएल बना रहे हैं, माइएसक्यूएल बना रहे हैं, या फिर आप एक्सेल फाइल भी बना सकते हैं। अभी आपने एक सॉफ्टवेयर रन किया, मैंने एक फॉर्म रन किया ना सर, इसका बैक एंड एक्सेल है, इसका बैक एंड एक्सेल है। और डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा का डेटा अमाउंट कितना है। अगर आपकी डेटा मान लीजिए 5-10 हजार के आसपास खिलता है तो खामा खा एसक्यूएल सर्वर लेने की क्या जरूरत है? एक्सेल हो जाएगा। अगर इसमें भी है कि अगर मान लीजिए कि आपका क्लाउड बेस्ड है तो इसके लिए आप जो है गूगल सीट का भी यूज कर सकते हैं आप। और इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई इस्तेमाल कर, आप एचटीएमएल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीयूआई इस्तेमाल कर सकते, दोनों इस्तेमाल कर सकते। पैथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है पहले जाना है, और पैथन के जरिए मतलब बहुत ही सीखने में आसान है। और दूसरी चीज क्या है कि हर चीज के साथ एक कंप्लीटल है, मतलब हर चीज के साथ ज्वाइन हो सकता है। ऐसा कि जावा है तो फिर वो .NET पे नहीं जाएगा, एक्सेल के साथ भी जुड़ जाएगा, एक्सेल के साथ भी जुड़ जाएगा, एसक्यूएल पे भी जुड़ जाएगा, फिर आपकी एचटीएमएल के साथ जुड़ जाएगा, इसका खुद का अपना प्लेटफॉर्म भी है, ये आपका डॉस बेस भी हो जाएगा। पीएचपी क्या हुआ कि वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है ना सर, वो और वेब पे चलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू चलता है। इसके लिए आप इसके ये देखिए यहाँ पे सामने जो खुला हुआ है ये क्या एक फॉर्म है ना सर। जनरली अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जनरली इसको हम लोग इससे बनाते हैं, DB6 से बनाते थे। एक्सेल बीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, DB6 जो माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल बेसिक 6 था उस पे बनाते थे, वो चीज यहां बना ली। इसके लिए मैंने क्या किया, बस एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया, ये रहा, ठीक है, एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करते मुझे टेक्स्ट को यहाँ देखिए मुझे टेक्स्ट दे दिया, यहाँ मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, ऐसे आप कमांड बटन, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, लिस्ट बॉक्स सब ला सकते हैं, सबमिट बटन,
ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि 35 डेज की क्लास में जिसके लिए आप 2000 रुपए खर्च कर रहे हैं उसमें क्या क्या मेरे साथ सीखेंगे, राइट। अब 2000 रुपए फीस क्यों है, क्योंकि मेरी बाकी क्लासेस की फीस तो महंगी होती थी, तो मैंने इसी साल आई थिंक जून से हमने पढ़ाने का तरीका चेंज किया, क्योंकि इससे पहले ही क्लासेस जिन्होंने ले रखे हैं उनके लिए मैं 10,000, 20,000, 30,000 रुपए चार्ज करता था, पर क्लासेस एक दो लोगों के साथ देता था, तो मैंने क्लासेस की सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया मैंने वन टू वन क्लास की, आपको एक दो लोगों के साथ पढ़ना है, एक सिंगल पढ़ना है, वन टू वन मेरे साथ पढ़ना है या ग्रुप में पढ़ना है। जैसे कि एक बैच में मैं दो बच्चे पढ़ाता था, उसके लिए मुझे 20,000 की मेरी बिलिंग होती थी, दो बच्चे 20,000 रुपए मुझे देते थे। अब उसी 20,000 को मैंने 10 स्टूडेंट के बीच में डिवाइड कर दिया कि 10 स्टूडेंट 2,000 रुपए देंगे और मेरे साथ क्लासेस लेंगे। इससे क्या हुआ कि उनको टॉपिक वही मिल रहा है जो कि जिसके लिए वो 10,000 मुझे पे कर रहे थे और पैसा उनको सिर्फ 2,000 रहा था, क्योंकि पैसा कई सारे स्टूडेंट के बीच में कंट्रीब्यूट हो गया। अब ज्यादा मैं अपने बैच में मैं 50, 60, 70 बच्चे नहीं करता, मैं बैच साइज बिलो 15 ही रहता है, 15 से नीचे ही रहता है, 10-15 के बीच में ही रहता है। रीजन ये है कि हम डायरेक्टली आपके साथ इंटरेक्ट होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको रिप्लाई कर रहा हूं, ऐसी चीजें 50, 60 या 100 लोगों के बीच में नहीं हो। अगर मैं 50 से 100 लोगों को अगर मैं बैच में डालता हूं तो प्रॉब्लम क्या होगी, फिर मुझे सबके माइंड को परमानेंटली म्यूट करना हो, क्योंकि अगर 50 लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछ दिया तो 2 घंटे तो सिर्फ क्वेश्चन के जवाब देने में चले जाएंगे, फिर वो लाइव इंटरैक्टिव सेशन नहीं हो जाएगा, फिर वो वीडियो जैसा हो जाए। लेकिन मेरे सेशन में जहां आपको समझ में नहीं आता वहां पे आप इंटरप्ट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्लासेस के बाद, क्लासेस से पहले, आउट ऑफ द टॉपिक के सवाल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप क्लासेस में 2000 फीस इसलिए है क्योंकि इसमें 10-15 लोग होते हैं, अगर इसी बैच को 1-to-1 करते हैं तो इसके लिए मैं पैटर्न क्लासेस के लिए 40,000 की फीस चार्ज करता हूं, पर ग्रुप क्लास में ऐसा नहीं। बीच से मैं क्यों बता रहा हूं कि कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि सस्ता है मतलब कि इसकी क्वालिटी खराब हो, तो इसलिए मैंने कंफ्यूजन क्लियर किया कि ये सस्ता नहीं है, बट कई साल आपकी जो फीस अकेले देनी थी वो फीस कई साल लोगों में बढ़ गई है, तो चीज आपको वही मिल रहा है जिसके लिए आप हाई अमाउंट पे कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूशन होने के कारण अमाउंट कम जा रहा है, बट कंटिन्यूशन होने के कारण आपकी जो क्लासेस है, क्लासेस की जो टॉपिक है वो नहीं बनेगा, वो जैसा वो चलेगा। 35 डेज हमारा जो क्लास है एक क्लास एवरेज है, ये 40 भी हो सकता है और मे भी 45 भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि मैं कोई टेप रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डेड वे पे तो बजूंगा नहीं, क्लासेस जब पढ़ाऊंगा तो उसके बीच में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके डाउट्स आ सकते हैं, कभी स्पीड ज्यादा हो सकती है, कभी स्पीड स्लो हो सकती है, तो ये 35-40 आवर जो है हमारा एवरेज ड्यूरेशन है, ये बढ़ता बढ़ता। पंकज मैम ये कुछ पूछना चाहते हैं आप? यस सर, पावर बी आई देखिए सिंपल से बात करें कि जो सिंपल सी बात, चाहे पायथन हो चाहे आपका एक्सेल, ठीक है, इस पे पावर बी आई हो या एक्सेल हो, पायथन का यूज कब करते हैं, जब जो चीजें हम नॉर्मली नहीं कर पाते हैं उसके लिए हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि एक्सेल पे तो हमारे पास वीडियो नहीं था,
बट पावर सी आई में वीवीएम तो है नहीं, इसलिए पावर वीआई में आर और प्रोग्रामिंग पीआई का यूज कर दिया गया। मतलब कि जिस तरह का कर्व चार्ट, जिस तरह की आपका ट्री मैप चार्ट और बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं जो कि पावर वीआई में वो फीचर्स और उस तरह की चीजें नहीं मिल पा रही है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पावर बीआई से बाकी चीजें नहीं होगा, ऐसे नहीं पावर बीआई से सैलरी मेंटेन कीजिएगा या पावर बीआई से आप जो है कमीशन मेंटेन कीजिएगा, ऐसे कुछ नहीं कर पाएगा। पावर बीआई जस्ट जो है आपको विजुलाइजेशन के लिए, क्विक विजुलाइजेशन के लिए दे ही देता है। जी सर, ठीक है। और पाइथन क्या करता है कि हमें पावर बीआई में कुछ कस्टमाइज चीजें चाहिए और उसको मैं बार बार रिपीट करता हूं, तो मुझे बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े, कोड में कहीं कॉपी करके रख दूंगा और जब भी मुझे बनाना होगा बस मैं पेस्ट मार देंगे। मैं तो यही करता हूं सर, मुझे रिपोर्ट बनानी होती है तो जब 10-15 चार्ट मुझे लगाने होते हैं, उसकी जो स्टैंडर्ड है उसकी कोडिंग मैं रखी हुई है, बस पावर बीआई में डेटा लोड किया उसको पेस्ट 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 करता गया, हो गया। उनका क्लाउड पे अकाउंट बना हुआ है, क्लाउड पे का उनकी पर्सनल लॉगिन है वहाँ पे, उनके क्यू आर कोड भेज दीजिए, स्कैन कर लेंगे, मतलब पाइथन पावर बी आई के अंदर क्यू आर कोड की फैसिलिटी है, क्यू आर कोड दे दीजिए, वो अपना पावर बी आई के मोबाइल पे ऐप 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 पे जाके वो स्कैन करेंगे, उनको रिपोर्ट मिल जाएगा। सिंपल सी बात समझिए कि उनके अकाउंट के अंदर की जो सेटिंग है वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपने उनको आपका काम है उनके उनके तक अपने फाइल पहुंचा दिया, वो अपने अकाउंट में उस फाइल को लाए डाले क्या करना है ये तो उनके अकाउंट की हैंडलिंग होगी ना, आप एक्सेस तो नहीं कर रहे सर ये मैं तुरंत तो नहीं बोल सकता बट देखना पड़ेगा किया जा सकता है, बट आप नहीं कर पाएंगे, नहीं करना पड़ेगा उन्हें कुछ ट्रिगर करना पड़ेगा, ट्रिगर नहीं करना पड़ेगा, बट ये होगा कि स्टेप कम जाएगा, जो स्टेप ज्यादा है वो स्टेप कम जाएगा, स्टेप ही कम करने का होगा क्योंकि कम से कम लोगों का इंटरफेरेंस हो उसमें, क्योंकि और लोग उसमें जैसे एक बंदा भी अगर 50 लोग हैं, एक बंदा भी डाउनलोड करके उसे सेव करने में 2 मिनट लगाता है, तो 50 लोगों का मेरे 4 मिनट का सेविंग है पर डे का। जी ठीक है, देखेंगे सर, तुरंत तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं इससे पहले ऐसा कुछ काम किया नहीं, तो मैं भी देख लेंगे। देखिए क्या है कि जो भी चीजें हैं, अगर जो चीजें मुझे आती है तो प्रहार दूंगा, जो चीज नहीं आती है हम दोनों बैठ के रिसर्च कर लेंगे, क्योंकि रिसर्च का चीज है ना,
जी चलिए एक काम करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को बढ़ाते हैं कि पैथन यूज करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है? चलते हैं, बाद फिर बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। पैथन यूज करने के लिए तो सबसे पहले आपको तो पैथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, तो कैसे करें? तो जाहिर सी बात है गूगल के पास जाएंगे, क्या तो यहां पे आते हैं, यहां पे लिखते हैं पायथन डाउनलोड, सिंपल सर। और पायथन की साइट भी हमेशा दिखेगा python.org लगा, क्योंकि पायथन जो बना है एक एनजीओ के लिए, एनजीओ के थ्रू बना हुआ है और इसलिए ओआरजी है। और दूसरी चीज पायथन फ्री है, पायथन की साइट पे कहीं भी बाय का ऑप्शन नहीं होगा, हाँ डोनेट का ऑप्शन है क्योंकि एनजीओ है इसलिए डेमो डोनेट का ऑप्शन है। और पायथन जो है आपका यहां से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद कुछ एमबी का फाइल है आपका उसको इंस्टॉल कर देना। यहाँ पे लेटेस्ट पैथन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप जो है कस्टमाइज इलस्ट्रेशन पे जाए और ये जो टिक्स जितने भी है सारे को टिक्स कर दे, नेक्स्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप फिनिश कर दे, सिंपल सा, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं, बट आप यहां से इंस्टॉल कर लीजिए। नेक्स्ट, अब 64 बीट है या फिर आपका 32 बीट है वो अपने आप आइडेंटिफाई करके आपको दे दें। अब हमारा पैथन इंस्टॉल जब हो जाएगा तो अब बात आती है कि हम कोडिंग करेगा। देखिए जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के लिए दो चीज दी जाती है, एक जो आपका कंपाइलर होता है, एक तो आपका सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा आता है कंपाइलर। सी यूज करते हैं, सी प्लस प्लस यूज करते हैं, उसके लिए उसका कंपाइलर होता है। तो इसके बहुत सारे कंपाइलर हैं। अगर आप गूगल पर जाके पायथन कंपाइलर सर्च करेंगे, कंपाइलर लिस्ट कर दीजिए यहां पे लिस्ट, तो आपको बहुत ज्यादा जहां पे कंपाइलर के सेंस में बताना चाहता हूं, जहां पे मैं पायथन प्रोग्रामिंग को कोड करूंगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पे पाइडेव है, पाई चैम्प है और बहुत सारे ऐसे आपको प्रोग्रामिंग के मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे जहां से आप कर सकते हैं। लेकिन जो आइडल है, आइडल आपका पावर बी आई खुद देता है जहां पे पायथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन आइडल पे प्रोग्रामिंग करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, सेवन जगह करने में, उसको एक्सक्लूड करने में, इसलिए आइडल हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। तो क्या करें, कुछ लोग पाइचाम लेते हैं, कुछ लोग आपका नोटपैड लेते हैं, जुपिटर लेते हैं, जुपिटर नोटपैड। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं सपोर्ट करता हूं वीएस कोड को। किसको? वीएस कोड। तो आपको अपने सिस्टम में वीएस कोड इंस्टॉल करना, ठीक है? ये भी आपको फ्री मिलेगा। बताइए पैथन यूज करने के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, पैथन बिल्कुल फ्री एंड ओपन सोर्स है। तो यहां से आप इसकी जो विजुअल कोड स्टूडियो, वीएस कोड स्टूडियो है, उसको यहां पे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके और नॉर्मली जो रन करते हैं उसे रन करके इंस्टॉल कर, उसके बाद इस वीएस कोड को यहां आप ओपन करें। अब क्या वीएस कोड इंस्टॉल करने से हो गया? नहीं, वीएस कोड इंस्टॉल करने के बाद आपको वीएस कोड के अंदर यहां पे एक्सटेंशन दिखेगा। क्या दिखेगा? एक्सटेंशन दिखेगा। इस एक्सटेंशन पे आप जाएंगे और यहां पे आपको पायथन सर्च करना है, जैसे मोबाइल का प्ले स्टोर होता है ना, उस तरह से यहां पे मिलेगा। और जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है उसका यहां पे आप इंस्टॉल कर लेंगे, यहां पे इंस्टॉल सिस्टम है, इंस्टॉल कर, क्योंकि वीएस कोड सिर्फ पायथन के लिए नहीं है। वीएस कोड में आप एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, सी, सी प्लस प्लस, ऐसे बहुत सारे चीजों का कोडिंग कर सकते हैं। जिसका कोडिंग करना होता है उसकी एक्सटेंशन यहां से इंस्टॉल करनी होती है। जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें उसके बाद क्या करें, उसके बाद जब पायथन यहां पे आपको दिख रहा होगा कि आपको यहां पे फोल्डर ओपन करना,
फाइल में जाके एक फोल्डर, तो उससे पहले आप क्या करें कि एक लोकेशन पे अपना एक फोल्डर बना पाइथन के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे सुबह 6 बजे की आपकी क्लास है तो 6 AM का एक फोल्डर बना दे। प्रोग्राम में बार बार आपको पाथ फाइल का पाथ देने की जरूरत ना, ठीक है। यहां फाइल में जाके ओपन फोल्डर आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहां पे अपना फोल्डर सिलेक्ट कर, फोल्डर सिलेक्ट जब हो जाएगा यहां पे प्रेस कर दीजिएगा यस, ये आपका फोल्डर है 6AM दिख रहा है फोल्डर में। अब जो भी प्रोग्रामिंग बनाएंगे हमारा इस 6AM वाले फोल्डर में बनेगा। तो पाइथन को फाइल क्रिएट कैसे करें, जनरली सॉफ्टवेयर में कंट्रोल एम करते हैं नया फाइल बना लेते हैं, यहां भी आप जब 6AM के पास कर्सर ले जाएंगे, ऐसे तो नहीं दिखेगा लेकिन जैसे 6AM के पास कर्सर ले जाएंगे यहां पे एक पेज पे प्लस करने का साइन है, इस प्लस वाला सेक्शन पे क्लिक कीजिए, फाइल का नाम दीजिए, जैसे मैंने आप दिया फर्स्ट डॉट py और एंटर प्रेस करते ही देखेंगे इसके आगे का लोगो जो है चेंज हो जाएगा और आप फोल्डर में जाकर देखेंगे फर्स्ट नाम का एक फाइल क्रिएट। अब इसके अंदर जो कोडिंग करनी है वो करिए, अब VBA की तरह यहां पे लाइन बाय लाइन की प्रोग्रामिंग होती है। वैसे मैंने यहां पे सिंपल से एक मैसेज दिया कि प्रिंट IPT एक्सेल स्कूल। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोग्राम मैंने लिखा इसको रन कैसे, तो यहां पे डबल क्लिक करके कीजिएगा तो यहां रन होगा, लेकिन ये होल्ड नहीं हो रहा है क्योंकि हमें यहां पे होल्ड करने का सिस्टम दिया नहीं है। यहां पे मान लीजिए मैं करता हूं इनपुट और इनपुट में हमने यहां पे डाल दिया कुछ नहीं, डाल दिया ब्लैंक छोड़ दिया। अब इसको रन कर, रन आप यहां से भी कर सकते हैं यहां पे आगे, या फिर आप पावर सेल या कमांड बटन से भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं बनाया। जब मैं इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाऊंगा तो यहां पे हम अपना जो बटन वगैरह के थ्रू जो वर्क करते हैं वो यहां पे करें। सीडी पास देगी आ गया। अब यहां पे लिखेंगे पाइथन फर्स्ट डॉट आगे आईपी डिस्टल स्कूल, ठीक है सर। तो हम रन करने के लिए ये तो हमारा जो टर्मिनल है, हम अपने टर्मिनल पे अपने प्रोग्राम को रन करके टेस्ट कर सकते, या फिर अपने प्रोग्राम को हम कमांड बटन या पावर सेल में रन करेंगे। कैसे रन करेंगे, सबसे पहले तो उस फोल्डर पे चले जाएं, जैसे सीडी और पाथ दे दीजिए उस फोल्डर पे चले जाइएगा और फिर आप पाइथन लिखिए और उस फाइल का नेम लिखिए, रन करते हुए फाइल के अंदर जो भी चीजें रन होगी यहां पे आ जाएगी। इसके अलावा देखिए तो अभी शुरुआती फेज के लिए, लेकिन जब पाइथन प्रोग्रामिंग आप बना लेंगे इसका कोई आउटपुट बनाएंगे इंटरफेस बनाएंगे, चाहे वो ग्राफिकल इंटरफेस में होना चाहिए या डॉस बेस भी हो सकता है, HTML बेस भी हो सकता है, या जो आप बनाना चाहते हो आप यहां बना के शो कर सकते। सेम उसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे पावर या पाइथन की प्रोग्रामिंग लिखनी है तो सबसे पहले तो डेटा को कनेक्ट करना पड़ेगा, जो भी डेटा है मुझे यहां पे वो डेटा को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर बीआई के जरिए डेटा कनेक्ट नहीं है, मैनुअल करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहां पे डेटा को कनेक्ट कर और यहां पे लोड कर, अब यहां पे कुछ नहीं करना है आपको, पावर बीआई पे क्लिक करना है और जिस फील्ड के ऊपर कोड करना चाहते हो उस फील्ड को यहां पर रख।
अब देखिए अनेबल हो गया। अब यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हो प्रोग्रामिंग कीजिए, उसी हिसाब से यहाँ पे आपका डिजिटाइजेशन तैयार। उसके बाद अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के अंदर भी हम पावर बीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इंसर्ट में आपको देखिए तो ये पाइथन मिलेगा, लेकिन ये पाइथन नहीं मिलेगा सबके पीसी में। इसके लिए आपके पास ऑफिस 365 का लाइसेंस होना चाहिए, और फिर आपको यहाँ अकाउंट में जाके और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट इनसाइडर में जाना होगा, और इसे चैनल जो आ रहा है चैनल में आपको बीटा चैनल को सेलेक्ट करके और बाकी अगेन बटन पर क्लिक करके यहाँ पे ओके करना हो। उसके बाद आपका एक दो दिन या तीन दिन या हो सकता है उसी दिन आपको अपडेट आएगा, यहां से अपने एक्सेल को अपडेट करेंगे, अपडेट करते ही आपको यहाँ पे अपडेट करते ही मैं बंद कर देता हूँ व्हाट्सएप। अपडेट करते ही आपको यहाँ पर पाइथन का आ जाए। अब यहीं पे आराम से हम प्रोग्राम इस पे क्लिक कीजिए और फॉर्मूला के जगह पे आप यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20 एंड z इक्वल टू x प्लस y, और फिर यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो जी ये आपका नया वर्जन ऑफिस जी या फिर देखिए ऑफिस 365 हमेशा नया ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लाउड से होता है। यहाँ देखिए रिजल्ट आ गया यहाँ पे 30 दिख गया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ रिजल्ट आपने यहाँ पे जो ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए दो चीजें अगर आपका जो परचेजिंग है वो एमएस ऑफिस आपने परचेजिंग होगा, एमएस ऑफिस अगर आपने परचेज किया हुआ होगा तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एमएस ऑफिस में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 365 परचेज किया है जहां आपको वन ड्राइव वगैरह सब मिल रहा है उसके अंदर आपको मिलेगा, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। मैंने बताया ना अकाउंट पे जाके आपको इनसाइडर में जाके आपको चेन चैनल पे जाके बीटा चैनल सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जाके एक बार चैनल में इसमें एक्सेल अकाउंट में जाके बीटा चैनल को सिलेक्ट कीजिए ना इनसाइडर में, ठीक है, यहां से आएंगे ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप एक्सेल और पावर बीआई पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा पांडाज, इसके लिए सीखना पड़ेगा मैटप्लोटलिब, क्योंकि जो चार्ट वगैरह बाकी चीजें जो आएगी डेटा एनालिसिस की वो उसी से आएगी। शुरुआत में अभी आपको कम से कम 15 से 20 क्लासेस सिर्फ कोर पाइथन को करना पड़ेगा, जो कि हम आपको मंडे सुबह 6 बजे से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने सिस्टम में क्या करें, पावर पाइथन को और वीएस कोड को इंस्टॉल कर, वीएस कोड के अंदर आप जो है पाइथन के एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर और अपने आप को प्रिपेयर रखें। सुबह 6 बजे आप लोगों को मेल या व्हाट्सएप आएगा मीटिंग आईडी का, सॉरी इसका मीटिंग लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर। ज्वाइन करने के बाद किसी दिन अगर ज्वाइन आप नहीं करते हैं तो उस दिन की क्लास वीडियोस आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, इंस्टॉल।